तो अच्छा लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बता दिया था कि करंट जैसे फ्लो करता है वैसे ही हीट करंट होता है, राइट? हीट करंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो अब उसी हीट करंट में हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रहते हैं, याद आ रहा है आपको? सीरीज पैरेलल, ये भी वही है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जैसे हम लोग करंट वरेंट पढ़ा करते थे तो उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे होता था, याद करो, ये एक रजिस्टर, ये दो रजिस्टर, ये तीन रजिस्टर, याद है ऐसे? इसके रेजिस्टेंस होता था R1, इसका होता था R2, इसका क्या होता था R3, और अपन बोलते थे ऐसे आई करंट बहता है पूरे सर्किट में, याद है ना? ऐसे ही अब की बार क्या होगा, तीन अलग अलग कंडक्टर लगे हुए होंगे। एक कंडक्टर मान लो ये रहा, दूसरा मान लो किसी और एरिया वेरिया का कंडक्टर है, दूसरा मान लो ये रहा, तीसरा मान लो ऐसा रहा, ठीक है? एक एंड आपका ये हो गया और एक एंड आपका ये हो गया, हो ही सकता है, ठीक है? यहाँ मान लेते हैं टेम्परेचर है T1, यहाँ मान लिया टेम्परेचर क्या है T2, यहाँ मान लिया बेटा T3, यहाँ क्या मान लिया, बातें नहीं होनी इसको। हीट करंट तो सब में आ ही जाएगा, सीरीज में लगे हुए हीट करंट सब में क्या जाएगा, और उस आई की जो वैल्यू है अगर हम लोग वो लिखने की कोशिश करें तो देख, मान लिया इस पोर्शन का K जो है वो K1 था, R जो है वो R1 था, इसका R2 है और इसका R कितना है R3, ये अपने वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, राइट? हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, उस जनरल एक्सप्रेशन को निकालने के लिए क्या करें, पहले बोल इस पोर्शन में लगा दूं, पहले इस वाले पोर्शन के अंदर अपना ओम्स लॉ लगा दूं जैसे यहाँ लगाया था। ओम्स लॉ क्या कहता था याद करो, I=T1-T2/R, याद नहीं आ रहा? ये R होता था RTH और I होता था ITH, भूल गए क्या? I थर्मल और R थर्मल, तो अप्लाई करें बेटा यहाँ पे, बताओ। चलो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए बोलो, I तो सेम है, बिकॉज I कैसा है बच्चों, सेम है, R1 R2 R3 सब अलग है, तो पहले पोर्शन में बताओ क्या लिखूँ। T1-T3 = क्या IR1, ये ऊपर उछाल दिया, तो T1-T3 इज वॉट, दूसरा पोर्शन T3-T4 = IR2, वेरी गुड, तीसरा पोर्शन T4-T2 = IR3, सही है? yes, तीनों इक्वेशन को ऐड किया जाए, ध्यान दो इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ, देख -T4 + T4 - T3 + T3, तो हमारे पास बच के क्या आया, T1-T2 = I टाइम्स R1 + R2 + R3, सबको दिखा? और अगर ये दिख गया तो सब लोगों को I का एक्सप्रेशन भी दिख गया होगा, I की वैल्यू क्या आ गई बोल, T1-T2/R1 + R2 + R3, नीचे ये जो R1 + R2 + R3 लिखा है ये असली में क्या है, R इक्विवेलेंट, ये असली में क्या है, R इक्विवेलेंट, यानी कि R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। बोलो जानते हो कि नहीं, कितने भी लगे हो अब टू RN, R इक्विवेलेंट में निकाल सकता हूँ, बोलो लिख सकते हो ना? तो हमारे पास में क्या आ गया बेटा, I T1-T2/R equal, बोलो ये समझ में आया सभी लोगों को? कोई डाउट रहेगा? आर की वैल्यू याद है L/KA, तो इसकी लेंथ वगैरह अगर दे दी जाए, मान लो इसकी लेंथ आपको L1 दे दी जाए, इसका K1 दे दिया जाए, इसकी लेंथ L2 दे दी जाए, K इसका K2 दे दिया जाए, इसकी लेंथ L3 दे दी जाए, K इसका K3 दे दिया जाए, तो क्या हम R1, R2, R3 सब कुछ निकाल सकते हैं? बोलो R1 की वैल्यू क्या लिखूंगा, L1/K1A1, बोल ही नहीं रहे, L2 = R2, L2/K2A2 एंड सो ऑन, बोलो लिख सकता हूँ मैं आराम से, नोट कर दीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन जिसके अंदर I हमेशा सेम होगा। आपको बीच के जंक्शंस के टेम्परेचर से कोई लेना देना, सीधे पहला जंक्शन और लास्ट जंक्शन देखो और कहानी सुनो, फ्रंट एंड देखो लास्ट एंड देखो, T1-T2/R equivalent, ठीक है? प्लीज नोट, अरे आज कहाँ घूम रहे थे, कौन सी एज, T1 इस हिस्से का है, T3 यहाँ का है, T4 यहाँ का, T2 यहाँ का, कौन सी एज, R2 पूरे इसका है, क्यों रहना चाहिए, मटेरियल तो यहाँ से यहाँ तक है ना बेटा, L2 लेंथ का मटेरियल तो पूरा है ना,
हो गया। तो बेसिकली मैंने उन तीनों को हटा के एक सिंगल कंडक्टर बना दिया जिसमें यहाँ टेम्परेचर T1 है और यहाँ टेम्परेचर T2 है, और इसका R इक्वलेंट क्या आ गया बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये अकेला आ गया जिससे हम डायरेक्टली आंसर लिख पाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, के इक्वलेंट भी हम लोग लिख सकते हैं चाहे तो, के इक्वलेंट की वैल्यू होती है बेटा n अपॉन 1 बाय के वन प्लस 1 बाय के टू अप टू 1 बाय के एन। ऑल दो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही बता रहा हूं बस मैं आप, ठीक है। अगर n कंडक्टर्स लगे हुए हैं, अभी मान लो मैं बोलूं कि अरे यहां ध्यान दो, क्या हो गया, क्यों इतनी बातें कर रहा है बेटा, इधर देखो। अभी मान लो मैं आप लोगों को बोलूं कि दो कंडक्टर्स लगे हुए हैं हमारे पास जिनकी लेंथ और एरिया इक्वल है, तो उसका के क्या आएगा, दो कंडक्टर्स लेंथ एरिया इक्वल है, के है के वन के टू, तो उसका के इक्वलेंट क्या आएगा, अरे एन की वैल्यू टू, वन बाय के वन वन बाय के टू, क्या के वन के टू एलसीएम ऊपर जाएगा। तो अगर मैं दो स्लैब्स की बात करूं, कितनी स्लैब्स की, दो स्लैब्स की बात करूं, तो के इक्वलेंट कितना आ जाएगा डायरेक्टली, बोलो जल्दी, टू के वन के टू अपॉन, नजर नहीं आया, यही तो पूछ रहा था, इतना क्या सोच, समझ गया ना। दिस इज नॉट आर इक्वलेंट, दिस इज के इक्वलेंट, आर इक्वलेंट नहीं है बेटा, के इक्वलेंट है, आर तो वही है एल अपॉन के, आप इसको जोड़ते रहो लाइन से एन तक, वो आएगा आर इक्वलेंट। क्या ये बात क्लियर है, वेरी गुड, आओ क्वेश्चन कर। हाँ तभी तो लिख पाएगा, हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे, इसका एरिया दे रखा है 2a, इसका दे रखा है 4a, इसका दे रखा है a बाय टू, ठीक है। इसका k दिया हुआ है बेटा 2k, इसका k दिया हुआ है कितना ले लो बोल, k बाय टू, और इसका भी दिया हुआ है 2k, लिखा। पहले पोर्शन की लेंथ है बेटा 2l, दूसरे की भी 2l और तीसरे की l, बता रहा हूं बेटा अभी खत्म नहीं हुआ, रुक जा। एल की वैल्यू है बेटा 2 मीटर, लिख लो एल इक्वल्स टू 2 मीटर, के इक्वल्स टू 10 वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, 10 वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। कई लोग तो सोच रहे होंगे यूनिट कैसे आ गई, के की वैल्यू है 10 और एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2a 4a a/2। एक काम करते हैं, इसको ए कर ले, इसका 2 काट देना पहले वाले का, ए कर दो 2a की जगह, अच्छा आंसर आएगा। क्वेश्चन लिखें, फाइंड सबसे पहला R1, R2, R3 and R equivalent।
R1, R2, R3 and R equivalent. और सेकंड करंट करो. भाई एक चीज बता, जब R1 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, L upon K, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए. R1 L1 upon K1 A1. What is L1? 2L. What is K1? And what is area? A. A की वैल्यू given है ना 0.1. अभी तो A ही लिख देता हूँ. 2 से 2 कट गया तो हमारे पास L upon K. अब इनकी वैल्यूज डाल. लेंथ कितनी given है बेटा? 2. K कितना given है? 10. और एरिया तो ये तो 1 बन गया. तो आपके पास क्या आ गया? 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट. बोलो आया कि नहीं? अगला बोलो बेटा R2. वही L upon K. L बोलो 2L. K बोलो 4K. नहीं, K by 2. K कितना है बेटा? K by 2. यार बोल ही नहीं रहा है. एरिया बोलो. नजर नहीं आया ये? गिवन है ना 4A. L upon K A. 2 से गया 2 और 2 से गया 2. दिख गया? तो आपके पास क्या वापस से L upon K A आ गया? इसकी वैल्यू तो अभी निकाली ना, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट. वेरी गुड. आ गया? व्हाट इज R3? L upon K. L इज L. K इज व्हाट? 2K. एरिया इज व्हाट? वापस से वही आ गया. चेक करिए सब लोग, R1, R2, R3 तीनों की वैल्यू सेम आ गई. व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट. सबका आया? वेरी नाइस. और क्या निकालना था? आई. आई की वैल्यू कैसे आती है? टी वन कितना? 100. टी टू कितना? तो 100 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज 6. कितना आ गया बेटा? 50 बाय नहीं आया समझ लो. वेरी गुड. चेक करिए, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगर हो जाए तो नहीं हो तो ठीक है, कोई बात नहीं. तो भी हो गया क्या? ये बंदूक नहीं है, पहले ही बता दूं. ठीक है, एरिया सेम है बेटा सबका, 0.1 स्क्वायर मीटर्स. एरिया सबका सेम, 0.1 स्क्वायर मीटर. 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ टेम्परेचर मान लिया T1 है और यहाँ पर क्या मानना है? T2.
आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कितनी बर्फ पर सेकंड पिघल रही है, हाउ मच आइस मेल्ट्स पर सेकंड। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है बेटा इसकी? लिख लीजिए सीधे जूल में ही दे दी यार, फिर तुम कन्वर्ट करते रहोगे और गलत करोगे, पता है ना मेरे को। करो करो क्या एल लिखा है ना, एल एल टू एल थ्री एल। अच्छा वैल्यूज दे दूं, ले लो एल की वैल्यू ले लो चलो 2 मीटर, के की वैल्यू ले लो 40 वॉट पर क्या होता था, ठीक है। इस डेटा से कर लो, अब सॉल्व करो। रेट ऑफ आइस मेल्टिंग निकालनी है और T1 T2 निकालना है, दो क्वेश्चन है, इजी इजी से। आओ चलो देखते हैं, देखना शुरू करें सभी लोग, यहाँ देखो, चलो आ जाओ बच्चों, यहाँ ध्यान लगाएं। R1 सबसे पहले R1 R2 R3 निकाल लें। व्हाट इज R1? L अपॉन K, L की वैल्यू कितनी हो गई 2, K की वैल्यू कितनी है 40 और एरिया कितना दिया हुआ है 0.1, तो 2/4 इज व्हाट 1/2, ये आ गया अपने पास R1। इसके बाद क्या R2 R3 निकाल लिया जाए, वॉट इज R2? L अपॉन K, L बोलो बेटा 2L, यानी 2 × 2, K बोलिए 6K, यानी 6 × 40, और इंटू एरिया कितना हो गया 0.1, 2 × 2 = 40 और 0.1, बोलो सही है 1/6। ये समझ में आया मैंने क्या किया, 40 × 0.1 = 4, 2 × 2 = 4, 4 × 4 कैंसिल, आता है ऐसे देखना? Yes, अच्छा R3 बताओ 3 × 2 / 9 × 40 × 0.1, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, आता है ऐसे काटना? वेरी गुड, तो बोलो क्या आ गया 1/6 है ना, वेरी गुड। तो ये 1/6, ये भी 1/6, ये हाफ, तो R इक्वलेंट में सबको जोड़ दूं, 1/3 और 1/2 कितना होता है 5/9, नहीं आया, ये सबका आ गया? Yes, यहाँ तक शायद सभी लोगों ने कर लिया होगा, मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा, ऐसी आशा है। मिस्टर डगा आपने भी कर लिया, अब देखो अगर आपने नहीं किया तो तो हमारे पास R इक्वलेंट आ चुका है कितना बेटा 5/6, ये जो अपना 5/6 आया इसी के साथ में खेल अब आगे खेलना है हमें। अब क्या बेटा I निकाल लूं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I? I बोलो I, T1 − T2 / R इक्वलेंट, तो I कितना आ गया, T1 = 200, T2 = 0, R इक्वलेंट = 5/6, सही है। 5 से 200 कितनी बार जाता है, 46 × 240, I is coming out to be 240 joules per second या watt, जैसे भी आप लिखना चाहो, बोलो आया। और ये जो करंट आ रहा है, मतलब ये जो हमें हीट करंट मिल रहा है पर सेकेंड, ये हमारे किस काम का है, बर्फ को पिघलाने के काम आ रहे, मतलब क्या Q = ML अप्लाई, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई 240 = M इंटू L, आइस कितनी दी हुई है 3 × 10^5, पहली जूल पर केजी में दे दिया तो हमें चेंज करने की जरूरत, यहाँ से मास कितना आ गया बता दो 240 / 3 × 10^5, डेटा अच्छा है तो ये 80 आ गया,
और हमारे पास में इस कारण मास क्या आ गया 0.8 ग्राम पर सेकेंड। नजर आया कदम, यही तो निकालना था, रेट ऑफ आइस मेल्टिंग आ गया, ठीक है। अच्छा सुनो, अब ये जो आपकी रेट ऑफ आइस मेल्टिंग आई है ये तो खत्म हो गया, T1 T2 कैसे निकालूं? हाउ टू फाइंड T1 T2? करंट से, कहाँ से आएंगे? तो फॉर्मूला लगा दो T1 और T2 के लिए। पहले क्या बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? I इक्वल्स टू 200 माइनस T1। I की वैल्यू किसके बराबर? 200 माइनस T1 अपॉन R1 अपॉन कितना? तो जब मैं आई लिखूंगा तो आई तो सबके लिए सेम ही है ना बेटा, तो 200 माइनस T1 अपॉन R1 बोलिए कितना है, कहाँ चला गया? 1/2। बोलो सही है। और आई की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 240। वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, 240 इज इक्वल टू 200 माइनस T1 अपॉन 1 और ये इंटू 2। बोलो सही है। यहाँ से बताना T1 कितना आ गया, 80। वेरी गुड, आप पे भरोसा कर लिया है मैंने, 120 80, ठीक है। इसी प्रकार से T2 के लिए कहाँ पे लगाऊं बोलो, 6 के वाले पे लगा दूं, तो T2 के लिए क्या लिखूं बोलिए, I इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन R2, T1 माइनस T2 अपॉन R2, तो I इक्वल्स टू अब लगाया T1 माइनस T2 अपॉन R2, I की वैल्यू वही 240 सीरीज कॉम्बिनेशन होने के कारण, T1 की वैल्यू बोलिए 80, ये 80 बता रहे हो ना तुम लोग, अबे T2 अभी तो पुट कर रहा हूँ, अपॉन R2 कितना आया था बेटा, 1/6, 1/ ऐसे ही किया, ये 40 40 80 40, T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यार कुछ समझ ही नहीं आया तुमको यार, बढ़िया बढ़िया सवाल करो, तुम लोटे पड़े रहते हो, देख पूरा बोर्ड भर गया एक सवाल में, तुम लोग दिमाग ही नहीं लगाना चाह रहे। अरे हुआ कि नहीं, समझ में भी आ रहा है या मैं ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ? आप लोग भी पढ़ रहे हो ना, ठीक है। कितने लोगों ने अपने आप किया, आंसर आ गए थे सारे? गुड, वेरी गुड। नोट कर लिया, एरिंग डालते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ सीरीज हो गया, तो सीरीज के बाद कौन आता है, प्यारे लाल, जैसे हमने वहां पढ़ी थी ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम रोटेशनल में, तो यहां पे आता है प्यारे लाल कॉम्बिनेशन। और इसमें लिखें स्लैब्स आर इन पैरेलल, स्लैब्स आर इन पैरेलल इफ, स्लैब्स आर इन पैरेलल इफ देयर एंड्स आर मेंटेन्ड, इफ देयर एंड्स आर मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर, if their ends are maintained, slabs are in parallel, if their ends are maintained, ends beta ENDS, E wala, if their ends are maintained at the same temperature, that is, ends are maintained at the same temperature, that is, the temperature gradient, that is, the temperature gradient across each slab, across each slab is same, across each slab is same, मतलब हर slab के across जो आपका temperature आएगा उसका जो gradient है वो same होगा, ठीक है। तो basically जैसे हम लोग वहां पे लगाते थे, याद करिए इस तरह से, ये याद आ रहा है कुछ,
ऐसे सर्किट कुछ ये देखे हुए से लग रहे हैं? ये करंट होता है बेटा, ये तीनों पैरेलल में है कि सीरीज में? कैसे पता? क्योंकि पिछले वाले सीरीज में थे, है ना बेटा? इसलिए क्योंकि अपन ऐसे बैटरी वैटरी जोड़ते थे ना यार, तो ये वी होता है। बड़े डंडे का मतलब यहाँ पर वी और छोटे का यहाँ पे मतलब जीरो। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है आर वन के अक्रॉस, क्या यहाँ पे वी है और यहाँ पे जीरो है? आर टू के अक्रॉस बोल यहाँ पे वी है, यहाँ पे जीरो है। आर थ्री के अक्रॉस यहाँ पे वी है, यहाँ पे। अब मान ले मैं यहाँ टेम्परेचर टी वन कर दूँ, यहाँ टेम्परेचर टी टू कर दूँ, तो क्या सेम टेम्परेचर हो जाएगा? तो स्लैब ऐसे नहीं लगती है, तो रेजिस्टेंस वाला डायग्राम है, तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। चाहो तो बना लेना, नहीं भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मान लो अपनी स्लैब है, ठीक है, कबूतर नहीं चुहिया है, पक्का कब्बू है, हैं? मैं क्यों खोल के देखूं उसके लिए? तू खोल के देख। अरे इसमें इतना खुश होने की क्या बात, जबरदस्ती खोल के क्यों देख रहे हैं? दो चीज पैक है, उसे पैक रहना। चलो यहाँ ध्यान है तो सही भाई साहब। चलो अच्छा यहाँ देखो यार, ये ऊपर वाला डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा है, है ना? सही है, नहीं मिटा रहा, नहीं लग रहा, कोई बात जबरदस्ती मिटाओ, है ना? चलो तुम्हें बहुत अच्छा आता है ना बनाना, बना लेना। अब सुन, यहाँ टेम्परेचर T1 है बेटा, यहाँ टेम्परेचर क्या है? ये बेसिकली चार रॉड्स हैं जो एक के ऊपर एक रखी है, ठीक है? मान लेता हूँ इसका आर आर वन है, इसका आर आर टू है, इसका आर आर थ्री है, और इसका आर आर फोर है। यार ये बहुत आवाज कर रहे हैं, अरे वो भाग जाएंगे ना उधर, तो ठीक है। अच्छा सबकी लेंथ बराबर है या अलग अलग है? लेंथ सबकी क्या है बेटा? बराबर लेंथ है। तो बता टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम होगा कि नहीं होगा? मैं अगर मान ले यहाँ से कोई x डिस्टेंस लेता हूँ, तो उस x डिस्टेंस के ऊपर जो dt by dx होगा वो तो सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर कितना है, तो T1 से T2 में जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होगा पर यूनिट x, क्या वो सेम आएगा? तो इसलिए dt by dx इज ऑलवेज सेम। तो हमने यही लाइन बोली है, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज सेम इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बता करेंट कैसे लिखूंगा? करेंट सेम है सब में, आर अलग है, T1 T2 तो सेम है पर आर तो अलग है। आप खुद ही सोचो, अगर मैं इस वाले सर्किट में करंट बनाऊं, करंट ऐसे बहेगा ना बेटा, यहाँ से भी आई जाएगा, पर अब ये आई तीनों में बढ़ जाएगा ना, ये भी आई, ये कोई आई वन है, ये कोई आई टू है, और ये कोई आई थ्री है, और ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ से आई वन, यहाँ से आई टू, और यहाँ से क्या मिलेगा, जो वापस मिल के आई हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? तो सेम केस यहाँ भी तो है, यहाँ पर भी क्या होगा, हर किसी में करेंट अलग अलग। तो जब आप करेंट लिखेंगे तो विल इट बी सेम और डिफरेंट फॉर ऑल द स्लैब्स? डिफरेंट फॉर ऑल द स्लैब्स, क्लियर है? सीरीज में थे, करंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल में आते ही करंट क्या हो गया, अलग अलग। मतलब कि इस बार जो आप लोग करंट लिखेंगे नेट, उस नेट करंट की वैल्यू क्या होगी? आई टोटल, बोलो, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री अप टू सो ऑन। मान लो अपन यहाँ का तो लिख ही लेते हैं, आई थ्री प्लस, ठीक है, तो ये आपका नेट करंट है, ये आपका कौन सा करंट है? नेट करंट। नाउ कैन यू राइट आई वन आई टू आई थ्री आई फोर? अरे आई लिखना आता है ना, कैसे लिखते हैं जल्दी बोल, अरे बोलो ना, हाँ बोल 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 बोल। टी वन माइनस टी टू बाय आर वन प्लस टी वन माइनस टी टू बाय आर टू प्लस टी वन माइनस टी टू बाय आर थ्री प्लस टी वन माइनस टी टू बाय
आर फोर प्लस लिखते रहोगे, मतलब डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्लैब्स जितनी भी है ना, लिख ही सकते हैं हम लोग तो, और तो अभी क्या कर सकते हैं। और जो आपका आई टोटल है वो टी वन माइनस टी टू बाय आर इक्विवेलेंट, वो क्या हो गया टी वन माइनस टी टू बाय, यही तो आपका आई टोटल है। तो हमारे पास देखो टी वन माइनस टी टू, 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 क्या सारे कट रहे, वेरी गुड। हमारे पास क्या आ गया, वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बोलो आया कि नहीं, अरे बोल भाई, यही होता तो होता भी यही था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आ गया जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर आता था वो यही तो आता था, वहां पर जो सर्किट में पड़ा था वही आंसर यहाँ भी आ गया, चेक करो दिख गया सबको। अब यहाँ पर भी हम लोग ऐसे के इक्विवेलेंट वगैरह लिख सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इक्विवेलेंट बताइए, के वन ए वन प्लस के टू ए टू प्लस अप टू के थ्री, मतलब के एन ए एन अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू ए एन, नोट कर लो देख क्या रहे हो, जैसे हो गया काम की बातें यहाँ तक खत्म हो गई, फिर ये लिखना था बस हो गया, इसके बाद तो इट इज प्रॉपर छपाई। आर की वैल्यू हम जानते ही हैं, अगेन एल अपॉन के, एल अपॉन के वही सही लिख लिया, वेरी गुड। आओ आगे बढ़े, ये मिटा दूं, ये तो मिटा दूं, अरे सब कुछ में ही नो सर। तो व्हाट इज आई टोटल कैसे लिखा हमने, टी वन माइनस टी टू अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्यों बस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इस बार चेंज हो गई, और ध्यान रखना ये वन बाय आर इक्विवेलेंट है, दिस इज नॉट आर, ठीक है। अगर मान लो दो रेजिस्टेंस हो तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, मतलब अगर दो ही स्लैब्स हो तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, दो रेजिस्टेंस हुए तो डायरेक्ट आ जाता है ये, अरे दो है ना तो वन बाय आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू, सॉल्व कर ले उसको, तो सीधे आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो दो के लिए, ठीक है। नहीं आया, और स्पाइडरमैन जाले वाले मस्त छोड़ रहा है आजकल, बहुत ही शानदार टैलेंट का प्रदर्शन करते हुए, क्या हो गया बे, बहुत आवाजें सुन रहा है तू आजकल, ज्यादा आवाजों पे ध्यान मत दे बेटा, बहुत जगहों से अलग अलग आवाजें आती हैं, अभी आपके कानों पे फिल्टर, मतलब कानों के जो फिल्टर है ना उन पर डिपेंड करता है आप कैसी आवाजें सुनना चाहते हैं, इग्नोर द वॉइसेस विच यू हैव टू। अरे तुमने यार वो देख ली क्या फैंटास्टिक बीस्ट, आज ही तो लगी है, हैरी पॉटर वाली छड़ी, मतलब एल्डर वॉन्ड दिखाई है उसमें, अच्छा इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, नगीनी है ना इसमें, तो नगीनी है इसके अंदर, जवान नगीनी, ट्रेलर भी नहीं देखा खाली पोस्टर ही देखा क्या, अच्छा आई निकालें और आर इक्विवेलेंट निकालें, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो अपने आप ही आई की वैल्यू आ जाएगी,
हम लोग क्या करते हैं, 1/R equivalent निकाल लेते हैं और उसी को आर इक्वलेंट की तरह पुट कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। 200, हाँ 200 इज राइट। बोलो सबसे पहले 1/R equivalent निकाल लें, सही है, या फिर ऐसे कर लिया करो 6 3 का 2, 2 2 का 1, 1 1 का आधा, 6 3 का 2, 2 2 का 1, 1 1 का आधा, नहीं आया? अरे सुनो सुनो, जल्दी करने का तरीका है, ध्यान दो सब लोग, 6 3 सा 12, हाँ 6 3 सा 6 प्लस 3 18 बाय 9, 6 3 का 2, 6 3 का 2, अच्छा 2 2 2 2 सा 4, 2 प्लस 2 4 बटे 4, 2 2 का 1, 2 2 का, अब 1 1 बच गया, 1 × 1 / 1 + 1, 1/2, 1 1 का आधा। अरे क्या सही है भाई, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं ये, ध्यान रखना, 6 3 का 2, 2 2 का 1, 1 1 का आधा। और अगर दोनों सेम हो तो हमेशा आधा होता है, जब भी दो, अगर 6 6 होता तो 3 हो जाता, 6 6 / 6 + 6, 36 / 12, 3, समझ रहे हो ना? तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये ध्यान रखना। 6 3 का पैरेलल 2 होता है, 2 2 का पैरेलल 1 होगा, 1 1 का पैरेलल 1/2 होगा, इक्वल है तो सीधे आधा कर दो, 8 8 का पैरेलल 16 16 का, बात खत्म, डायरेक्ट भी सोच सकते हो, बार बार ये अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पर 6 3 का 2 याद रखो। नहीं आया समझ? आ गया ना? आओ दे, हेलो, तुमने KVPI की क्लासें की थी, करंट पढ़ा था? करंट नहीं पढ़ाया था, सीरीज पैरेलल। अच्छा ये बोलना बेटा, क्लास नहीं की थी। अच्छा तो उस दौरान बता देते कि ऐसी दिक्कत आ रही है, क्विज ऑफ कर देते, उससे क्या मतलब है? खैर आर इक्विवेलेंट आ गया, आई बोलिए, 100 / 1/R equivalent, आर इक्विवेलेंट कितना है यहां से पुट कर दूं? सही है, ठीक है, ये हो गया आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर है ना, अपन चेंजेस ला सकते हैं अलग अलग तरह के सर्किट्स बना के। अगर ये नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। चलें आगे, आओ भैया, बातें क्यों हो रही हैं? याद याद दो, सबकी नजरें यहाँ,
आर इक्वलेंट और आई निकालिए, आपको आर इक्वलेंट और आई निकालना है। फाइव आर, फाइव आर, अच्छा ध्यान दो ये आर अलग है टू आर अलग है, हाँ आप ध्यान दे ये दोनों सीरीज में, तो टू आर और आर ये दोनों सीरीज में, फोर आर टू आर, थ्री आर सिक्स आर टू आर, तीन छह का दो, अरे तीन छह का वेरी गुड, तो हमारे पास में ये ऐसा दिखा दे, आर इधर, ये थ्री आर इधर, सिक्स आर इधर, और इधर कितना बेटा टू आर, यही तो दिखा, तीन छह का दो, तो हमारे पास में क्या आ गया आर टू आर और वापस से टू आर, तो नेट कितना आ गया बेटा फाइव आर, इसमें कोई दिक्कत आई, तो R इक्वलेंट जो हमारे पास में 5 R आ गया, उसके लिए यहां टेम्परेचर कितना है 100 और यहां कितना है बेटा 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, 100 माइनस 0 अपॉन R इक्वलेंट, R इक्वलेंट इज व्हाट 5, R की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन के अंदर हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट, तो क्या 5 इंटू 10 हो जाएगा, बोलिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, समझ ही नहीं आया सबको, वेरी गुड, आर इक्वलेंट और आई, टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, आर इक्वलेंट और आई, बहुत टाइम लगा दिया, कितना 120, 26/3, 150/3, अच्छा एक मिनट रुक, अच्छा अभी देख लेते हैं, सुनो 3R 2R 5R, ये कितना है 6R, 5R 6R 2R तीनों पैरेलल में, ये दिख गया था आपको, तो 1/R इक्वलेंट विल बी 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/5, आर तो बाद में डाल देंगे ना वैल्यू, बोलो आ गया एलसीएम, बोलो 20, 30, एलसीएम कितना आ गया बेटा 30 आ रहा आपका एलसीएम, 5, 15, 20 और 5, 25, 26 आर, आर स्क्वायर आएगा नहीं, कुछ आएगा ही नहीं, 26/30 आर आ गया, ये क्या है बेटा 1/R इक्वलेंट, तो व्हाट इज आर इक्वलेंट 30R/26, ये समझ आ गया, वेरी गुड, अच्छा इसको और अपन लोग अगर कर लें तो कितना हो गया 15/R की वैल्यू 10 है, वो अपन बाद में पुट कर लेंगे, नाउ व्हाट इज आई, T1-T2 मतलब 100-0 अपॉन आर इक्वलेंट यानी 15/13, बोलो सही है क्या, ये आंसर है, ठीक है,
पुट कर दिया मैंने, आंसर आ रहा है 10 से क्या बेटा ये 10 बार चला गया, 130 अपॉन 15 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 से काट लो तो 65 बाय नहीं, अब 5 से जा रहा है ना, 26 बाय 3 ये आ गया था, यही आंसर है। डेटा थोड़ा ऊपर नीचे होने से आंसर खराब हो गया, अदरवाइज सुंदर आंसर भी आ सकता, ऊपर 3R 2R हो गया इस पर, खैर उससे क्या फर्क पड़ रहा, क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, डन। साइड क्या है, ए साइड के दो क्यूब गिवन है, एक कॉम्बिनेशन तो इसमें दिया T1 और T2 का, ये वाला इसका K दे रखा है K1, इसका K दे रखा है K2, और एक बार कॉम्बिनेशन दिया इसका ये वाला, यहाँ पर टेम्परेचर T1 और यहाँ पर टेम्परेचर T2। पहला केस सीरीज और दूसरा केस किसका हो गया, पैरेलल। अरे ये तो समझ पाए कि पहला सीरीज है दूसरा पैरेलल है। ओहो, जब यहाँ T1 और यहाँ T2 है तो ऐसे बहेगा, अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 तो दोनों लाइन में आ गए तो सीरीज हो गया। अब यहाँ T1 और यहाँ T2 है दूसरे केस में, जिसको पैरेलल हो गया ना, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, बोल ही नहीं रहे। ठीक, आपको K इक्विवेलेंट निकालना है दोनों केसेस में। के इक्विवेलेंट सेम साइज के और एरिया के अगर ले लोगे तो क्या आएगा, 2K1K2 अपॉन K1+K2, नहीं आया समझ, ये तो डायरेक्ट मैंने लिखवाई दिया था तुम लोगों को, जबरदस्ती करा रहा हूं मैं तो, क्या यार तुम लोग, इसका जनरल फॉर्मूला लिख लो। चलो, सिग्मा एल बाय ए अपॉन सिग्मा एल अपॉन के ए, इससे सॉल्व हो जाएगा। सिग्मा एल बाय ए अपॉन सिग्मा एल बाय के, यहां से डायरेक्ट भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या बेटा, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का तो हाँ वही है, लिखवाया तो था मैंने के इक्विवेलेंट भी लिखवाया था, और पैरेलल का क्या आ जाएगा, वैसा ही फॉर्मूला बोलो, सिग्मा बोलो क्या, के बाय एल अपॉन सिग्मा, बताइए नीचे क्या आ रहा था, ए सिग्मा ए आ रहा था, तो सिग्मा ए बाय एल कर दो, कर दो जल्दी से, सेम लेंथ होने पे कट जाते हैं यार, इतना सा तो दिमाग खुद से लगाओ ना, ये फॉर्मूला अपने आप नहीं बना सकते, वहां आकर एन अपॉन 1/K1+1/K2 लिखवाया था ना मैंने, तो तभी तो लिखवाया था जब एल और ए बराबर होंगे तब, नहीं आया समझ में, ये आ गए दोनों, ये किसके लिए लिखा है बेटा, और ये वाला पैरेलल। अब याद करो मैंने सीरीज में तुम्हें डायरेक्ट ये बात लिखवा दी थी कि अगर लेंथ एरिया बराबर होंगे तो आंसर भी 2K1K2 अपॉन K1+K2, याद है, चाहो तो पुट करके देख लो, लेंथ मान लो ए और एरिया मान लो ए स्क्वायर, पुट कर लो हर जगह, एक बार रख दो K1, एक बार रख दो K2, और सिग्मा फंक्शन लगा दो, तो क्या लिखोगे,
ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर। अरे बोलो ना यार, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए अपॉन के वन ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन के टू ए स्क्वायर। कर लो सॉल्व, ए बाय ए स्क्वायर कॉमन ही आ जाएगा, निमट के ये के वन के टू ऊपर नहीं जाएंगे, वैसे ही हो गया आंसर। अब यहाँ देखो सब लोग, इसका तो वैसे ही लिखवा दिया, लेंथ तो बराबर है ही, यहाँ एरिया भी बराबर हो गया, तो के वन प्लस के टू बाय टू आ जाएगा डायरेक्ट। तो इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा, के वन प्लस के टू बाय, और यहाँ क्या आ रहा है, टू के वन के टू अपॉन। अब इसमें रिसर्च क्या करनी है, डायरेक्ट लिखो यार आंसर, और समझ पा रहे हैं, बाकी अगली क्लास में करो।